Hello student, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel. As you know that its name is Shiva Easy English Zone. तो मैं वेलकम करता हूँ एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में और आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर 2nd द साउंड ऑफ म्यूज़िक. इसके दो वीडियोज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चलने से पहले मैं बताऊंगा कि एल्विन में वो कौन सी सारी खूबियां हैं जो उसे विशिष्ट बना देती हैं और इतनी ज़्यादा खास बना देती, स्पेशल बना देती हैं कि वो इस किताब में आपको पढ़ने के लिए मिल रही है. आपको पता है कि जब कोई स्पेशल करेक्टर होता है तभी वो हमारे टेक्स्ट बुक्स में प्रिंट होके आता है और हमें इंस्पिरेशंस देता है, प्रेरणा देता है ताकि हम भी उस तरह के कुछ काम कर सकें. तो नीचे के दो वीडियोस के लिंक मिले हैं, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आगे की स्टोरी समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी. और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट, लाइक व्यूज़ एक्स्ट्रा. आपको पता है ये क्या क्या करना है. आगे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, सीधे मैं चैप्टर पर आता हूँ. तो चैप्टर शुरू होता है कि एज़ फॉर म्यूज़िक, पैरा नंबर 7 है, आप ध्यान दीजिएगा. ये आपकी टेक्स्ट बुक का 2nd चैप्टर है और 1st पार्ट है उस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ. ये वीडियो नंबर 3 है, ठीक है. और बाकी के पीछे के पैराग्राफ्स का स्टडी हो चुका है, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सजेस्ट कर दीजिएगा. हाँ, अगर कोई कन्फ्यूजन आपको रह जाती है इन केस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के आप उस बात को ज़रूर रखिएगा. आपकी इस बात पर मैं ध्यान दूंगा और उसे अगले वीडियो में दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा. तो पैरा नंबर 7 है, एज फॉर म्यूजिक से एक्सप्लेन्स, सी इट मीन्स एवलिन कहती है कि जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, इट पुअर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. पुअर्स मीन होता है उड़ेलना, यहाँ पर फिलहाल मतलब है इंटर, प्रवेश करती है, यानी संगीत मेरे शरीर के एक एक अंग में प्रवेश करती है. इट टिंगल्स इन द स्किन, कहती है ये मेरे टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, सब जगह. टिंगल्स का मतलब होता है वाइब्रेट करना, झंझनाहट उत्पन्न करना. आपको पता होगा कि वाइब्रेशन ही वो फीलिंग्स जनरेट करती थी जिसके थ्रू एवलिन संगीत को महसूस करती थी, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी. ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो प्लीज़ विजिट नीचे की दो वीडियोस को, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, देख लीजिए. तो कहती है कि टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी त्वचा में, मेरी स्किन में वाइब्रेशन फील कराती है. माई चिक बोन्स, मेरे जो गालों की हड्डियाँ हैं वहाँ पर भी मुझे वाइब्रेशन, झंझनाहट की एहसास होता है. और कहते हैं यहाँ तक इवन माई हेयर, मेरे बालों में भी वाइब्रेशन फील होता है थ्रू द म्यूज़िक. इट मीन्स व्हेन म्यूज़िक प्लेज एनी वन या आई माई सेल्फ, तो देयर इज़ ए वाइब्रेशन इन माई चिक बोन्स, इन माई हेयर्स, इन माई स्किन्स ऑल्सो, बिकॉज एज यू नो दैट एवलिन इज कैपेबल टू फील द म्यूज़िक विद एवरी ऑर्गन ऑफ हिज बॉडी. दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ एवलिन. यू कैन रीड इट, स्टडी इट इन दिस चैप्टर. आगे कहते हैं कि वेन सी प्लेज द ज़ाइलोफोन, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप. स्टिक्स, अगर आप फिगर देख रहे होंगे, एवलिन ज़ाइलोफोन प्ले कर रही है तो स्टिक के थ्रू प्ले करते हैं. तो कहती है कि शी प्लेज द ज़ाइलोफोन, व्हेन शी प्लेज द ज़ाइलोफोन, जब वो ज़ाइलोफोन बजाती है तो शी कैन सेंस द साउंड. सेंस द साउंड माने उस आवाज़ का, उस ध्वनि का, उस लय का, उस ताल का अनुमान, अनुभव करती है. पासिंग अप द स्टिक्स, जो गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, उसकी छड़ियों से. इनटू हर फिंगर टिप्स, जो उसकी फिंगर टिप पर छोटी छोटी डंडियाँ लगी होती है उससे भी संगीत जब गुजरता है तो उसका एहसास कर लेती है. दैट्स अ ग्रेट थिंग. और आगे कहती है बाई लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, और ड्रम पर झुके हुए, सॉरी बाई लीनिंग, लीनिंग माने होता है झुका होना. बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ड्रम पर झुक के ड्रमिंग करती है, शी कैन फील द रेसोनेंस. फील माने महसूस कर सकती है, रेसोनेंस का मतलब उसका गुंजन, इकोइंग फ्लो इन टू हर बॉडी, जो उसके शरीर में लगता है कि वो सारा का सारा ड्रमिंग का नॉइज़ या ड्रमिंग की जो साउंड है वो फील करती है, उसको वाइब्रेट करता है. किसको? एवलिन को. फिर आगे ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, वुडन का मतलब होता है लकड़ी का जो चबूतरा या प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जब स्टेज बनाया जाता है. सी रिमूव्स हर शूज, सी रिमूव्स, जूते उतार देती है.
क्यों उतार देती है? सो दैट जिससे कि सी द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब कोई वुडन स्टेज बनता है तो स्टेज पर चढ़ती है तो अपने शूज को निकाल देती है ताकि जब संगीत बजता है तो उसकी वाइब्रेशन को वो फील कर सके, बेयर फीट माने नंगे पांव से, एंड अप हर लेग्स, और ताकि वो कंपन उसकी टांगों से ऊपर की तरफ गुजर सके जिससे वो बेटर सेंस कर सके कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज प्लेइंग ऑन, कि किस तरह का संगीत बज रहा है। इस बसने वाले संगीत का एहसास करने के लिए वुडन स्टेज पर जब भी एवलिन जाती है तो उसने बताया कि मैं अपने शूज निकाल देती हूँ ताकि जो नंगे मेरे तलवे हैं, पांव के निचले हिस्से हैं, उससे मैं संगीत को महसूस कर सकूं और संगीत धीरे धीरे मेरे पैरों से होता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ सके। नेक्स्ट पैराग्राफ में नॉट सरप्राइजिंगली कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित कर देती थी। इट मीन्स एवलिन हैव द कैपेसिटी टू इंटरटेन हर ऑडियंस वेरी वेल, अच्छी तरह से अपने श्रोताओं का मनोरंजन करना एवलिन को आता था, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है। इन 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, तो 1991 में इन्होंने प्रेजेंटेशन दी क्योंकि म्यूज़िक डिस्प्ले किया फिलहार्मोनिक सोसाइटी का, और उन्होंने कहा इस प्रेजेंटेशन में प्रेस्टीजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और क्या सोलिस्ट माने सिंगल, एकल जिसको कहते हैं, और वो प्रेस्टीजियस यानी प्रतिष्ठित उस अवार्ड को एवलिन ने जीता था और उसे प्रदान किया गया। एवलिन को फिर से मैं बता रहा हूँ 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड, उसे पुरस्कृत किया गया, इनाम दिया गया, क्या दिया गया, रॉयल फिलेंट्रिक सोसाइटी के द्वारा मोस्ट प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट, सबसे प्रतिष्ठित एकल पुरस्कार किसको मिला, एवलिन को मिला। आप सोचिए, आप अगर आप शुरू से कहानी को देखिए तो एक के बाद एक सफलताएं वो प्राप्त करती चली जा रही है, और मैंने कहा था वो चैलेंज था उसके लिए, उस चैलेंज को उसने एक्सेप्ट किया और अपने को प्रमोट किया, उस लायक बनाया। सेज मास्टर प्रोक्योनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते, मास्टर प्रोक्योनिस्ट जो थे, एक जो बहुत वेल नोन पर्सन है, प्रोक्योनिस्ट का मतलब तबला वादक, और आपको पता है मास्टर हैं तो इट मीन्स कुशल तबला वादक, जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने इसके कानों से सुनने की क्षमता छीन ली है, ले ली है, लेकिन आगे उन्होंने लिखा बट सी हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सुनने की क्षमता जो कानों से हम सब लगभग नॉर्मली कानों से सुनते हैं, एवलिन भी सुनती थी। 11 साल की उम्र में उसकी हियरिंग चौपट हो गई, ख़राब हो गई, तो भगवान ने उसकी कान से सुनने की क्षमता ले तो ली, लेकिन एक अद्भुत क्षमता दी, वो कान से नहीं शरीर के सभी अंगों से संगीत को महसूस कर सकती थी, सुन सकती थी और समझ सकती थी। ये बात उन्होंने कही जेम्स ब्लेड महोदय ने कि कान खराब हुए हैं लेकिन उसके बदले ईश्वर ने उसको ढेर सारे गिफ्ट दे दिए सुनने के लिए, बहुत सारे अंगों से सुनने समझने की क्षमता उसे प्रदान कर दी। व्हाट वी हियर, हम जो सुनते हैं, सी फील्स, वो उसका महसूस एहसास उसको होता है, हमें कानों से सुनाई देता है और उसे एहसास होता है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और जो हम सुन के उसका एहसास नहीं कर सकते वो अपने अंगों से महसूस करके उससे ज़्यादा गहराई तक एहसास उसको होता है, यानी हम कानों से वो फीलिंग नहीं पाते हैं लेकिन उस शरीर से उससे अधिक बेहतर फीलिंग पा जाती है। कौन, एवलिन, दैट इज़ द हीरोइन ऑफ दिस पार्ट, दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो बहुत ही खूबसूरती से संगीत को परोस पाती है हमारे सामने और हमें उसको सुनने में अति आनंद का अनुभव होता है। एक मशहूर तबला वादक जेम्स ब्लेड की टिप्पणी है एवलिन के ऊपर। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, एवलिन कन्फेसेस, कन्फेस माने एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एवलिन स्वीकार करती है शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक का मतलब होता है कि काम में डूबी रहने वाली,
और जाहिर सी बात है अगर वो काम में डूबी नहीं रहती तो इतना परफेक्शन शायद उसको अपने काम में नहीं मिलता। कहती है कि मैं काम में हमेशा डूबी रहने वाली हूँ, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस काम करना है। ये नहीं जैसे हम आप लगभग करते क्या हैं कि किस तरह से काम से बचा जाए, बहाने ढूंढते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, छोड़ो आज नहीं कल, कल नहीं परसों। लेकिन आपको पता है कि इस तरह का व्यवहार हमें शर्मिंदा करता है। पेवलिन कहती मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं काम में डूबी रहने वाली लड़की हूँ और बस मुझे काम करना पसंद है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, और अक्सर क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं यानी शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक, जैसे आपको पता होगा क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वो एक एक सुर पे, ताल पे, लय पे और सिंगल और अपनी टीम के साथ सबके साथ वो रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं। कहते हैं उससे भी ज़्यादा मैं अभ्यास करना पसंद करती हूँ, क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी ज़्यादा। आगे फिर कहती है एल्विन, बट द रिवार्ड्स आर इनॉमरस, किंतु पुरस्कार तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। और अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो आपको पता होगा कि हर एक दो पैराग्राफ के बाद एवलिन कोई न कोई अवार्ड जीत लेती है और काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार ही खाली यहाँ पर आपकी किताब में मेंशन किए गए, छोटे मोटे तो छोड़िए कितने हैं उसकी गिनती ही नहीं है। फिर कहती अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न, जो मैं रेगुलर यानी नियमित रूप से संगीत यानी स्टेज शो देती रहती हूँ उसको अपार्ट, उसके अलावा एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, दैट द ब्यूटी ऑफ द करेक्टर। कहते हैं कि एवलिन कहती है कि मैं तो पैसे लेकर के स्टेज पर संगीत देती रहती हूँ, लोग उसका आनंद लेते हैं, लेकिन मैं प्रिजन्स में, जेलों में और हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस देती हूँ। ये है करेक्टर एवलिन का, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसे नहीं लेती हूँ जब मैं किसी हॉस्पिटल में या जब किसी जेल में संगीत की प्रस्तुति देने जाती हूँ। आगे फिर कहती है सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, हाई प्रायोरिटी किसको, यानी कि जो ऐसे लोग हैं यंग मतलब नौयुवक हैं जो संगीत के क्षेत्र में नए लोग हैं, तो सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, वह हाई प्रायोरिटी देती है यानी उच्च प्राथमिकता देती है युवा संगीतकारों के लिए। इट मीन्स अगर कोई न्यू कमर आ गया, कोई यंग म्यूजिशियन आ गया, तो एवलिन बड़े प्रेम से उसकी जो भी हेल्प हो सकती थी वो करने को हमेशा तत्पर रहती थी। ये भी एक करेक्टर है एवलिन का कि जिसको शायद कुछ लोगों ने सपोर्ट दिया तो उसने एहसास किया कि जिस तरह से मैं सपोर्ट पा करके अपने आप को बेटर बना सकी हूँ, अगर मैं भी कुछ लोगों का सपोर्ट कर दूँगी तो वो भी बेटर हो जाएंगे। आगे फिर कहते एवलिन एन रुकलिन ऑफ द विदोवन फंड, ये नाम जरा आपको अजीब लग रहा होगा, कहती है कि एन रिकलिन ऑफ द विदोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन, डीफ चिल्ड्रेन मतलब जो बहरे लोग हैं, विदोवन कोस एन रिचलिन कहती हैं, यानी कि एक विदोवन बहुत बड़े म्यूजिशियंस थे, उनके नाम पर एक म्यूजिशियंस रिच लोगों को आगे प्रमोट करने के लिए, फंडिंग करने की जो व्यवस्था है उससे जुड़ी हुई एक महोदया है, नाम उनका है एन रिकलिन। वो कहती हैं सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन, शाइनिंग इंस्पिरेशन है, चमकती हुई प्रेरणा की स्रोत है कौन, एवलिन, किसके लिए, जो डीफ हैं, बहरे लोगों के लिए, क्योंकि एवलिन भी बहरी हैं और उसके बावजूद वो संगीत के क्षेत्र में एक ऊँचा मुकाम रखती हैं, तो जो लोग बहरे हैं उनके लिए रोल मॉडल है, एक हाई इंस्पायरिंग आप कह सकते हैं पर्सनालिटी है हमारी एवलिन ऐसे लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते हैं। दे सी, वे कहते हैं कि देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, क्या कि वे कहते हैं, वे जानते हैं, वो बच्चे जानते हैं कि उनके लिए जाने को अन्य कोई स्थान नहीं, इट मीन्स देयर इज नो वे टू मूव हेयर आर देयर, क्योंकि जब आप बहरे हो जाते हैं तो उस समय आपके सुनने की क्षमता ख़त्म है तो आप संगीत सीख नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से एवलिन ने काम किया है उससे काफ़ी लोग प्रेरित हो सकते हैं और संगीत तो छोड़िए और भी क्षेत्रों में अपना नाम बना सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैरा नंबर 10 में हम देखें तो एवलिन ग्लैनी, ये पूरा नाम है एवलिन का,
एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी उसकी उम्र के दुगनी, जो एवलिन की उम्र है उससे दुगनी उम्र के लोग जितना अचीव करते हैं अपनी लाइफ में या अचीव किए होंगे अपनी लाइफ में, उससे ज़्यादा अचीवमेंट एवलिन ने अपनी इस कम उम्र में ही पा लिया। शी हैज़ ब्रॉट प्रिकोरियस ऑफ द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, यानी कि यहाँ पर जो उसे ऑर्केस्ट्रा, आपको पता है कि उसे ग्रुप में भी संगीत को प्ले करने का मौका मिलता था, सोलो परफॉर्मेंस भी देती थी, तो कहती है कि जब वह तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा में आगे ले आई, क्योंकि जनरली ढोल और जो इलेक्ट्रॉनिक ज़ाइलोफोन और तमाम तरह की चीज़ें हमारी ऑर्केस्ट्रा टीम में शामिल होती जब बैंड आता है, तबले को लोग पीछे रखते थे या यूज ही नहीं करते थे ऑर्केस्ट्रा में, लेकिन एवलिन ने ऐसा किया, एवलिन ने ऑर्केस्ट्रा को आगे किया और उसने ये प्रदर्शित कर दिया कि बहुत ही हर्ट टचिंग हो सकता है, यानी बहुत बेटर हो सकता है हमारे ऑर्केस्ट्रा के लिए कौन सा प्रिकॉर्निस्ट। फिर उसने आगे लिखा, छोटा सा पैराग्राफ है, शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जैसे मैंने कहा कि ऊपर बधिर लोगों के लिए, बहरों लोगों के लिए तो इंस्पिरेशन थी, शाइनिंग स्टार थी, आगे इसने लिखा शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, उसने उन्हें भी प्रेरणा प्रदान की, यानी एवलिन ने उन लोगों को भी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, प्रेरणाएँ दी, हु आर हैंडीकैप्ड, जो विकलांग थे यानी फिजिकली अनफिट पर्सन जो थे, उन्हें भी इंस्पायर किया एवलिन ने, पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उसे देखा करते थे एंड से, और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, अगर एवलिन बहरी होकर के संगीत के क्षेत्र में इतना बेहतर कर सकती है, तो उसको देख करके जो हैंडीकैप पर्सन होते थे वो क्या रिएक्ट करते थे, कहते हैं कि इफ़ सी कैन डू इट, यदि वह कर सकती है तो आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। यानी एवलिन जब इस तरह से होने के बावजूद भी संगीत के क्षेत्र में सफलता पा सकती है तो हम क्यों नहीं, ये मोटिवेशन मिलती थी, इंस्पिरेशंस मिलती थी एवलिन को जब वो देखते थे। नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन इनॉमरस प्लेजर टू मिलियन, कम तो नहीं उसने मिलियंस, लाखों लोगों को क्या दिया है, आनंद प्रदान किया है, तो ये कम महत्वपूर्ण नहीं है, इट मीन्स इट इज़ नॉट लेस इम्पॉर्टेंट, ये कम महत्वपूर्ण नहीं, एवलिन हैव प्रोवाइडेड ए लॉट ऑफ प्लेजर टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लोगों को बहुत सारी खुशियाँ एवलिन ने दी अपने संगीत के माध्यम से। तो आपने इस तरह से देखा कि एवलिन का एक छोटा सा जो कैरेक्टर आपको समझने को मिला हमारी लेखक के सानिध्य से, तो एवलिन ने आपको भी इंस्पायर किया होगा कि आप तो सशरीर सुदृढ़ हैं, सारे अंग आपके काम कर रहे हैं, तो आप भी मोटिवेट होइए, उससे इंस्पिरेशन लीजिए और कुछ बेहतर करने की कोशिश करिए। इसी शुभकामना के साथ विदा लेता हूँ, लेकिन चलने से पहले निवेदन मेरा फिर वही है, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दीजिए, व्यूज़ दीजिए और शेयर करिए। हाँ, और अगर आप मेंटली बेटर फील करना चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग ज़रूर पढ़िए, ब्लॉग का नाम है sahajukti.blogspot.com, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।